चलो बच्चों, आज हम वापस बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग से प्रस्तुत ऑनलाइन शिक्षण के लिए तैयार हो जाएं। बच्चों, आज हम यहाँ पर एक पीपीटी के द्वारा मैं आपको आज का घटक समझाने वाली हूँ। यहाँ पर देखो, आज पीपीटी के द्वारा एक घटक हम समझेंगे, ये कौन सा है। पहले मैं थोड़े में आपको मेरा परिचय दे दूं। मैं गुरु नानक नगर मनपा हिंदी शाला कुरला पश्चिम यहाँ पर पढ़ाती हूँ। मेरा नाम है कल्पना पाटिल और आज का दिनांक है 31 अक्टूबर 2020। आज हम वापस हिंदी व्याकरण ही पढ़ने वाले हैं और हिंदी व्याकरण में आज हम एक अलग घटक देखेंगे। इस घटक का नाम है शब्द समूह के लिए एक शब्द, या आप इसे कह सकते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। शब्द समूह के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र का आपको अच्छे से निरीक्षण करना है। यहाँ पर इस चित्र में, देखो, यहाँ पर एक दादाजी दिखाई दे रहे हैं, एक दादी जी दिखाई दे रही है, एक यहाँ पर नानी माँ है ना, और इनके साथ एक नाना जी भी है। और यहाँ पर ये दो छोटे बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये छोटे बच्चे, इन बच्चों का नाम मैं आपको बताती हूँ। ये है हर्ष और ये है चारू। और ये सब जो लोग हैं, वो लोग आप चित्र में निरीक्षण करो कि किसी अलग जगह पर घूमने के लिए आए हैं, है ना। अलग जगह पर घूमने के लिए अब वहां पर वो बच्चे क्या कर रहे हैं और इन सारे लोगों के बीच में क्या बातें हो रही है, ये आज हम इस पाठ में देखने वाले हैं। यहाँ पर देखो, ये नाना जी भी है, उस चित्र में दिखाई नहीं दे रहे थे। यहाँ पर देखो, ये नाना जी भी उनके साथ में है और यहाँ पर ये सब क्या चर्चा कर रहे हैं। देखो, ये जो हर्ष है और चारू जो है, वो यहाँ पर निरीक्षण कर रहे एक तालाब का, है ना, एक तालाब का निरीक्षण कर रहे हैं। और उस तालाब में देखो, यहाँ पर मछलियां दिखाई दे रही है ना, मछलियां। और देखो, वो ऐसी जगह घूमने आए हैं कि वहां पर उनको बहुत सारे फूल पौधे, उसके बाद आकाश में उड़ने वाले पंछी, ये सब कुछ एकदम सुंदर तरीके से दिखाई दे रहा है। अब ये मछलियां देखकर, ये जो मछलियां हैं, ये मछलियों को देखकर इन लोगों के बीच में जो चर्चा हो रही है, वो चर्चा हम आज संवाद रूप में देखेंगे और इसको समझेंगे। अब यहाँ पर पिकनिक की जगह, ये क्या है, पिकनिक की जगह है ना। घूमने जब हम जाते हैं तो हम ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर हमारा मन एकदम प्रसन्न हो जाए, हमें बहुत अच्छा लगे, अच्छा महसूस हो। तो ऐसी जगह वो घूमने आए हैं, उसको कहेंगे पिकनिक। अब हर्ष देखो क्या कह रहा है। हर्ष कह रहा है, आहा, कितनी सुंदर मछलियां हैं। वो मछलियों को देखकर उसके मन में बड़ा आनंद आ गया और वो उन मछलियों को देखकर एकदम जोर से चिल्ला उठा, आहा, कितनी सुंदर मछलियां हैं। मन खुश हो गया हर्ष का। अब हर्ष की बात सुनकर चारू ने क्या कहा। चारू ने कहा, आटा देखकर तो सब किनारे पर आ रही है। देखो, चारू के हाथ में क्या था, आटा था, आटा। और वो आटे की जो छोटी छोटी लोइयां थी ना, वो क्या कर रही थी, वो पानी में डाल रही थी। और पानी में डालने के बाद वो मछलियां जो थी, वो पानी से बाहर ऐसे उड़ उड़ कर आ रही थी पानी के पृष्ठभाग पर।
तो उसे बड़ा मजा आ रहा था। अब उतने में इन दोनों की बातें सुनकर दादी क्या बोली, दादी ने कहा, नाना बेटा उन्हें पकड़ो मत। क्या कहा, नाना बेटा उन्हें पकड़ो मत, मछलियों को आप पकड़ने की कोशिश मत करना। तो उतने में नानी माँ बोली, चारू हर्ष मछली कहाँ रहती है। देखो नानी माँ ने क्या कहा, चलो नानी माँ ने एक प्रश्न ही पूछ लिया कि चारू हर्ष तुम्हें पता है क्या मछली कहाँ रहती है। तो उस पर हर्ष ने क्या जवाब दिया, हर्ष ने कहा जल में, कहा जल में, मतलब नानी माँ मछलियां तो पानी में रहती है, कहाँ पर रहती है, पानी में। तो नानी माँ ने और दूसरा प्रश्न पूछ लिया, नानी माँ ने कहा पक्षी कहाँ उड़ते हैं, बताओ तो जरा पक्षी कहाँ उड़ते हैं। तो हर्ष ने इसका भी जवाब दे दिया, आकाश में। क्या कहा हर्ष ने, आकाश में। तो ये सब चर्चा, ये सब बातें इनमें चल रही थी। और उसके बाद दादाजी ने उस पर क्या कहा, तो जल में रहने वाले व आकाश में उड़ने वाले को क्या कहते हैं, क्या तुम्हें पता है। देखो दादाजी ने वहां पर अपना प्रश्न पूछ लिया, जल में रहने वाले व आकाश में उड़ने वाले, जल में रहने वाले व आकाश में उड़ने वाले को क्या कहते हैं। अब चारू ने उस पर जवाब दिया, नहीं तो हमें तो पता नहीं दादाजी क्या कहते हैं। चलो तो उस पर सब बातें नाना जी बड़े गौर से सुन रहे थे। नाना जी ने क्या कहा, अरे बच्चे यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सीखने। देखो नाना जी भी बड़े होशियार थे। नाना जी ने क्या कहा, अरे यहाँ पर हमने बच्चों को पिकनिक मनाने के लिए लाया है, ना कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सिखाने के लिए लाया है। मतलब वहां पर नाना जी को बच्चों को करानी थी पढ़ाई। और उन्होंने क्या किया, इस पर हर्ष ने क्या पूछा, हर्ष ने कहा, क्या मतलब नाना जी, हर्ष ने पूछा कि क्या मतलब है आपकी बात का, मैं समझ नहीं पाया। तो नाना जी ने कहा, हाँ हाँ समझाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। तो नभ में उड़ने वाले को नभचर और जल में रहने वाले को जलचर कहते हैं। नभ में उड़ने वाले को, एक ही शब्द यहाँ पर आया नभचर, और जल में रहने वाले को जलचर, यहाँ पर एक शब्द आया इन सारे शब्द समूह के लिए। अब यहाँ पर नाना जी को बच्चों को क्या बताना था कि ये सारे जो अनेक शब्द है, जहां पर मैं मार्किंग आपको दिखा रही हूँ, इन शब्दों के लिए एक ही शब्द यहाँ पर आता है और इतने सारे शब्दों की बोलने की जरूरत नहीं होती है। तो नभ में उड़ने वाले को नभचर और जल में रहने वाले को जलचर कहते हैं। तो चलो बच्चों, आज हम इसी बात को सीखने वाले हैं और इस शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की परिभाषा आगे पढ़ने वाले हैं। तो परिभाषा है इसकी बच्चों, जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। अब आपने जो चित्र देखा, संवाद देखा, उससे आपको भली भांति ये समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे शब्दों को एक साथ बोलने पर या उस अनेक शब्दों के जगह पर एक शब्द प्रयुक्त करने पर भाषा में सुंदरता आ जाती है। और वही जो है वो हम कहते हैं उसको शब्द समूह के लिए एक शब्द, मतलब शब्दों का जो पूरा समूह होता है
वो समूह ना कहते हुए वहां पर एक ही शब्द प्रयुक्त किया जाता है। तो यही है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस परिभाषा को हम सचित्र तौर पर समझते हैं। अब यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर दो पार्टीशन किए हुए हैं, अनेक शब्द और एक शब्द। यहाँ पर बंटवारा में आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर अनेक शब्द है। देखो पहला चित्र है, यहाँ पर ये जो बच्चा है वो क्या खा रहा है, फ्रूट्स खा रहा है ना, फल सब्जी खा रहा है। अब ये मांस खा रहा है क्या? नहीं। तो जो मांस नहीं खाता है, अब जो मांस नहीं खाता है उसके लिए हम क्या कह सकते हैं एक शब्द? शाकाहारी। क्या कहेंगे? शाकाहारी। अब ये बच्चा जो है, ये बच्चा शाकाहारी है। क्यों? क्योंकि वो मांस थोड़ी खा रहा है, तो मांस बच्चों खाता ही नहीं है, तो उसको हम एक ही शब्द में सारे अर्थ को बता सकते हैं, शाकाहारी। अब दूसरा, जहां छात्र पढ़ते हैं हम सबको मालूम है विद्यालय क्या है, विद्यालय। अब हमें किसी को बताना होगा या माँ ही बता रही है कि मेरा बच्चा विद्यालय गया है, तो माँ थोड़े ना ऐसे बोलती है कि जहां छात्र सब पढ़ते हैं वहां पर मेरा बच्चा गया हुआ है, नहीं बोलती ना ऐसे। देखो तो फिर उसके लिए वहां पर क्या शब्द प्रयुक्त होता है? विद्यालय। और भाषा वहां पर वाक्य जो होता है बड़ा सुंदर बन जाता है। अब तीसरा आपका उदाहरण है, यहाँ पर देखो एक डॉक्टर दिख रहे है ना, हम किसको कहेंगे डॉक्टर? यहाँ पर देखो, जो बीमारों का इलाज करता है, जो बीमारों का इलाज करता है, हम इसको क्या कहेंगे एक शब्द में? चिकित्सक। क्या कहेंगे? चिकित्सक। आपको सबको एक ही शब्द याद है और वो भी अंग्रेजी, डॉक्टर है ना। तो या तो हम हिंदी में उसको वैद्य कहते हैं, आप इसको वैद्य भी कह सकते हो, पर इसको जो सटीक शब्द है वो है चिकित्सक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको एक देश की रक्षा करने वाला व्यक्ति दिखाई दे रहा है, जो देश की रक्षा करे उसको क्या कहेंगे? हाँ, चित्र से ही आपके मन में शब्द आ गया, सैनिक है ना, सैनिक। तो इस शब्द समूह के लिए यहाँ पर सैनिक ये शब्द प्रयुक्त होगा। अब आपका दूसरा चित्र, यहाँ पर खेती का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, बैल जोड़ी है, एक आदमी है ना। तो ये क्या कर रहा है? खेती कर रहा है। तो जो खेती करे उसको क्या कहेंगे एक ही शब्द में? किसान। क्या कहेंगे? किसान। आगे बढ़ते हैं। जो चित्र बनाए, ये देखो ये लड़की यहाँ पर चित्र बना रही है, हाँ, तो इसको क्या कहेंगे हम एक शब्द में? चित्रकार। जो चित्र बनाए उसको कहते हैं चित्रकार, एक ही शब्द में चित्रकार बोलेंगे उसको। ये जो लड़का है क्या कर रहा है? गाना, जो सबको पसंद है। जो गाना गाए उसको क्या कहेंगे? गायक। चित्र देखकर ही आपके मन में ना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तैयार हो रहा है ना। तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? गायक, जो गाना गाए। आगे देखते हैं, ये है देखो अध्यापक जी, अध्यापक। देखो चित्र से ही हमारे मुंह में क्या आ जाता है, वो शब्द ही आ जाता है। तो हम ऐसे बोलते हैं क्या, जो पढ़ाते हैं वो कक्षा में खड़े हैं? नहीं ना, अध्यापक कक्षा में खड़े हैं। तो यहाँ पर हम शब्द समूह को उपयोग में ना लाते हुए हम अध्यापक इस शब्द को वहां पर उपयोग में लाते हैं। घोड़े पर सवारी करने वाला, ये देखो ये इसको क्या बोलेंगे? घुड़सवार। क्या बोलेंगे? घुड़सवार बोलेंगे, है ना। और नीचे देखो तीसरे चित्र में, यहाँ पर घोड़े
बांधने की जगह है, रहने की जगह है, तो घोड़ों के रहने का स्थान उसको क्या कहेंगे? अस्तबल। क्या कहेंगे? अस्तबल। ये ध्यान में रखना है आपको। आगे है, जो किसी से ना डरे, जो किसी से न डरे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो आदमी है वो डर रहा है क्या? नहीं ना, वो बंदूक ताने खड़ा हुआ है उसको मारने के लिए, तो यहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा है, ये हमें इस चित्र के भाव से पता चलता है। तो उसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे, इस व्यक्ति को हम उसके व्यक्ति के बारे में कहेंगे ये निडर है। क्या है? निडर है। तो दूसरा चित्र है आपका, जिसे भूख लगी हो, जिसे भूख लगी हो। देखो इस बच्चे को बहुत भूख लगी है, तो हम क्या कहेंगे उसको? भूखा। क्या कहेंगे? भूखा। तो जिसे भूख लगी हो वो है भूखा। ये देखो ये लड़की है ना, इसका मुंह देखो कैसे, ऐसे लग रहा है कुछ मन में इसके लालच आ रहा है। तो लालच करने वाला, लालच करने वाला क्या होता है बच्चों? लालची। क्या होता है? लालची, है ना। तो उसके लिए हम लालची ये शब्द उपयोग में लाएंगे। जहां पुस्तक रखी जाती है, पुस्तकें, देखो हमारे स्कूल में भी होता है ना पुस्तकालय, तो हम क्या बोलते हैं उसको? पुस्तकालय। जहां पर बहुत सारी पढ़ने के लिए किताबें रखी जाती हैं। दूसरा चित्र, इसमें देखो एक आलसी की तरह ये आदमी सोया हुआ है, तो जो आलस करता है वो क्या है? आलसी। इसके लिए शब्द समूह क्या, शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या आएगा यहाँ पर? आलसी। ये देखो ये बच्चा कितना आज्ञाकारी है, हाँ बड़ों की आज्ञा मान रहा है, बड़ों को नमस्कार कर रहा है। तो जो आज्ञा मानता हो ना बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? आज्ञाकारी कहते है, और सबको आज्ञाकारी होना चाहिए। चलो हमने सचित्र कुछ उदाहरणों को तो देख लिया, अब आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए और कुछ उदाहरणों का संग्रह आपके पास हो, इसीलिए हाँ मैंने कुछ उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। ये उदाहरण हम पढ़ के जरा देखेंगे, आप भी मन में मेरे साथ पढ़ोगे बच्चों। भारत में रहने वाला भारतीय, भारत में रहने वाला भारतीय, इसको स्क्रीनशॉट भी करते जाइए, बहुत सारे शब्द समूह का आपके पास संग्रह हो जाएगा। आलस करने वाला आलसी, किसी से भी न डरने वाला निडर, जो हमने सचित्र से देखा। जिसके माता पिता न हो अनाथ, जिसके माँ बाप नहीं होते हम उसको क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। जो पढ़ा लिखा न हो अनपढ़, अनपढ़ गवार, हम बोलते ना अनपढ़ गवार है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है, जिसको अच्छे से पढ़ना लिखना आता है, उसको हम क्या कहते हैं? साक्षर, या उसको दूसरा शब्द है शिक्षित। पढ़ने वाला व्यक्ति पाठक, पढ़ने वाला व्यक्ति उसको क्या कहेंगे? पाठक। ये शब्द देखो ज्यादातर बच्चों को नहीं आता है ध्यान में। सुनने वाला व्यक्ति श्रोता, सुनने वाला व्यक्ति श्रोता। आगे देखते हैं, शहर में रहने वाला शहरी, जो विज्ञान जानता है वो क्या है? वैज्ञानिक। जिसको विज्ञान के बारे में सारी जानकारी है वो क्या है? वैज्ञानिक है। जहां इलाज किया जाता हो अस्पताल, है ना, आप बोलते ना जो अस्पताल में जाना है, हाँ तो आप वहां पर ऐसा बोलते हो, अरे जहां पर ना ये रोगों का इलाज होता है ना वहां पर मैं जा रहा हूँ। कितना कैसे सुनने में कैसे लगता है हमें, अच्छा नहीं लगता है, पर वही अस्पताल में मैं जा रहा हूँ, थोड़े में ही अपनी बात स्पष्ट हो जाती है। जहां पुस्तकें पढ़ने के लिए रखी जाती हो, पुस्तकें ठीक करता है। मोची, जो रोग से ग्रस्त है रोगी। जो मिठाई बनाता है हलवाई। लेख लिखने वाला लेखक, ये कुछ शब्द है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे है कुछ उदाहरण, मास में एक बार आने वाला उसको क्या कहेंगे? मासिक।
सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, जिसके मन में दया हो उसको क्या कहते हैं हम, दयालु। हम बोलते हैं ना, अरे उस वो तो बड़ा दयालु है। फल सब्जी खाने वाला शाकाहारी, मांस खाने वाला मांसाहारी, प्रतिदिन होने वाला दैनिक, गांव में रहने वाला ग्रामीण। अब हमने ये सारे चित्रों के माध्यम से उदाहरण पढ़ लिए, कुछ उदाहरण हमारे और जानकारी के लिए हमने पढ़ लिए। अब ये सब तो शब्द पढ़े, पर इन शब्दों को आपको किस तरीके से प्रयोग करना है वो मैं अभी आपको सिखाती हूँ। कि उदाहरण जब आपको दिया जाएगा तो उस उदाहरण में अनेक शब्दों के लिए वहां पर एक शब्द प्रयुक्त करके कैसे वाक्य को लिखना है। तो उसका हम पहला उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है हमारा, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए जिसके पास धन ना हो। अब यहाँ पर देखो ये जो शब्द लिखे हुए ना, ये देखो अलग रंग में मैंने लिखे हुए इसको, जिसके पास धन ना हो। तो ये जो अनेक शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं उसके लिए हमें एक शब्द प्रयुक्त करना है। तो जिसके पास धन ना हो हम क्या कहते हैं उनको, निर्धन। हाँ, क्या कहते हैं, निर्धन कहते हैं। तो हमें यहाँ पर ये सारे शब्दों को ना लिखते हुए उसके लिए आने वाला निर्धन ये शब्द इस वाक्य में प्रयुक्त करना है। तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए जो निर्धन हो। अब देखो यहाँ पर ये जो पहला वाक्य मैंने लिखा हुआ है और उसके नीचे मैंने शब्द समूह के लिए एक शब्द प्रयुक्त करके लिखा है, तो आप यहाँ पर बच्चों निरीक्षण करो, वाक्य की लंबाई भी कम हो गई। ये वाक्य पढ़ने के लिए जितना समय लग रहा है उतना ये वाक्य पढ़ने के लिए समय नहीं लग रहा है, और ये वाक्य देखने में भी प्रभावी लग रहा है और सुनने में भी प्रभावी लग रहा है। तो इस प्रकार से हमें उस शब्द समूह के लिए एक शब्द प्रयुक्त करने के लिए आना चाहिए। अब इसका दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, राकेश के माता पिता नहीं है। अब हमने पहले पढ़ा जिसके माता पिता नहीं है हम उसको क्या कहते हैं, अनाथ, है ना, क्या कहते हैं उसको, अनाथ कहते हैं। तो राकेश अनाथ है, तो इतना ही बोलने पर हमें क्या समझ में आ जाता है कि उसका कोई नहीं है, उसके माता पिता अभी जीवित नहीं है, तो राकेश अनाथ है। तीसरा उदाहरण, अक्षर दूसरों का उपकार करने वाला है। मतलब अक्षर क्या है, परोपकारी है, दूसरों का उपकार करने वाला, परोपकारी। तो यहाँ पर हमने कौन सा शब्द उपयोग में लाया, परोपकारी, अक्षर परोपकारी है। तो इस तरीके से आपको वहां पर शब्द समूह के लिए एक शब्द प्रयुक्त करना है। हमारा चौथा उदाहरण है, मनुष्य समाज से संबंध रखने वाला प्राणी है। मनुष्य समाज से संबंध रखने वाला, अब समाज से संबंध रखने वाला इसके लिए क्या शब्द है, सामाजिक। तो उसमें सभी आ गया, एक शब्द सामाजिक आप बोल दो तो हमें समझ में आ जाता है, समाज से संबंधित सभी घटक। तो मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है। तो आप यहाँ पर वाक्य में मनुष्य सामाजिक प्राणी है इस तरीके से इसको लिखोगे। अब आपका पांचवा उदाहरण है, चिड़ियाघर में हमने जल में रहने वाले पशु देखे। आपने पढ़ा ना, जल में रहने वाले क्या कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं, जलचर। आपको समझ में आ रहा है ना, चिड़ियाघर में हमने जलचर पशु देखे, इसलिए मैंने आपको चित्र भी दिखाया था, है ना, जल में रहने वाले उसको क्या कहेंगे, जलचर। तो इस शब्द समूह
के लिए एक शब्द हमने लिखा है यहाँ पर जलचर। अब ये सारे उदाहरण और इसको किस तरीके से आप प्रयोग करोगे, ये सारी बातें हमने जान ली। अब बच्चों आपको मन में कल्पना करनी है कि ये सारे जो अनेक शब्दों की जगह पर अगर एक शब्द प्रयोग करने के लिए कोई शब्द उपलब्ध ही ना होते तो हमें भाषा लिखने के लिए और भाषा को व्यक्त करने के लिए कितनी कठिनाई महसूस होती है ना। इसलिए मैंने आपको बहुत सारे उदाहरणों में ये समझाया कि देखो वाक्य की लंबाई बढ़ जाती है और उससे क्या हो जाता है, वाक्य पढ़ने में या बोलने में हमें बोरिंग लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता है। पर उसकी जगह पर जब हम शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है, वाक्य सुनने में अच्छा लगता है और भाषा और वाक्य दोनों प्रभावशाली हो जाते हैं। तो इसीलिए ये जो बच्चों शब्द समूह के लिए एक शब्द है ना, इनका बहुत महत्व हिंदी भाषा में या सभी भाषाओं में इसका महत्व है। तो ये बात विशिष्ट आपको ध्यान में रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं और इनके महत्व पर हम चर्चा करते हैं। मैंने आपको बहुत सारा महत्व तो पढ़ाते पढ़ाते बता दिया, पर आपको और मैं जानकारी बताती हूँ कि इसका महत्व क्या है, कि भाषा प्रभावशाली व आकर्षक बनती है। भाषा प्रभावशाली व आकर्षक बनती है। जैसे राकेश के माता पिता नहीं है पर राकेश अनाथ है, तो देखो राकेश अनाथ है, ये अनाथ शब्द जब हम उस माता पिता नहीं है इस जगह पर जब हम वहां पर लिखते हैं या बोलते हैं तो हमारी भाषा कैसी लगती है, सुनने में अच्छी लगती है, प्रभावशाली लगती है और उस वाक्य का जो वजन होता है बच्चों वो बढ़ जाता है और इसके वजह से वो जो भाषा है वाक्य है वो आकर्षक बन जाता है। ये इसका महत्व है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आप भी बड़े होके बच्चों को भी देखो कहानियां लिखने के लिए आता है ना, कहानी लेखन होता है, बच्चों को निबंध भी लिखना होता है। और आप ये नोट करो कि निबंध में भी आप कई जगहों पर ऐसे शब्द समूहों के लिए एक शब्दों का प्रयोग करते हो ना, तो आपका निबंध हो, जो भी आप लेख लिखने वाले हो, कहानी लिखने वाले हो, वो अत्यंत प्रभावशाली बन जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा, अच्छी रचना के लिए आवश्यक है, तो वही कि ये जो शब्द समूह के लिए एक शब्द है वो क्या हो जाते हैं, थोड़े में ही कम में ही अपनी बात जो होती है ना प्रस्तुत हो जाती है। और ये जो रचनाएं हम लोग करते हैं कथा कहानी की, या जो लेखक जो है जो लेख लिखते हैं, कवि जो है जो कविताएं लिखते हैं, इन सब के लिए क्या होता है, ये शब्द समूह के लिए एक शब्द बहुत महत्व रखता है। तो कम शब्दों में अपने विचार जो होते हैं वो प्रकट हो जाते हैं, इसलिए अच्छी रचना के लिए ये बहुत आवश्यक है। अब तीसरा, कम शब्दों में सारगर्भित अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना। अब आपने ना एक कहावत मुहावरा सॉरी सुना होगा, गागर में सागर भरना है ना। मतलब इसका मतलब क्या है कि थोड़े में ही अपनी बात को कह देना। तो आपको गागर में सागर भरना, इसका अगर अर्थ अच्छे से जानना हो तो आपको क्या करना है, शब्द समूह के लिए एक शब्द का महत्व आपको ध्यान में रखना है। तो कम में ही अपनी सारी बात, अपना जो भी सार है, वो जो सार है, अपने जो विचार है वो वहां पर प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को प्रयुक्त किया जाता है। अब यहाँ पर जो कुछ शब्द है वो हिंदी भाषा में संस्कृत से भी लिए गए हैं और बहुत सारे संस्कृत शब्दों का उपयोग करने के वजह से और भाषा अलंकारिक बन जाती है और सुंदर बन जाती है। तो अब आपका चौथा है, शब्दों के प्रयोग से वाक्य रचना में संक्षिप्तता, सुंदरता तथा गंभीरता आती है। कि मैंने अभी बताया आपको कि वाक्य रचना देखो छोटी हो जाती है और बोलने में समय कम लगता है और वाक्य सुंदर लगता है और
उसकी गंभीरता भी बढ़ जाती है, उसका वजन बढ़ जाता है। जिस तरीके से हम उस वाक्य को, शब्द समूह के लिए एक शब्द को लिखेंगे, तो उससे क्या होगा, वहां पर उस वाक्य रचना में सुंदरता आ जाएगी और वो उतना संक्षिप्त भी हो जाएगा और हमारे विचार थोड़े में प्रकट भी हो जाएंगे। तो इसका बहुत महत्व है बच्चों, शब्द समूह के लिए एक शब्द का। अब चलो, हमने महत्व जान लिया, तो अभी मैं कुछ आपको थोड़ा अलग बताती हूँ। ये तो हमें हमारी परीक्षा में तो आता ही है, पर ये शब्द समूह के लिए एक शब्द पर हमारे पांचवी में स्कॉलरशिप के लिए भी इस पर प्रश्न आते हैं। तो स्कॉलरशिप में हमें जो प्रश्न आते हैं उसके लिए हमें चार ऑप्शन दिए रहते हैं, है ना। तो चार ऑप्शन में से हमें एक सही ऑप्शन को टिक करना होता है, और सही ऑप्शन को टिक करके मतलब हमें वहां पर गोला करना पड़ता है जिस नंबर का वो उत्तर सही हो। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा स्कॉलरशिप के जो प्रश्न है उसका भी थोड़ा सराव करा रही हूँ, और यही आपको अपनी जो परीक्षा होती है क्लास की, कक्षा की, उसमें भी आपको वो उपयोग में आएगा। तो दोनों हमारा अध्ययन हो जाएगा यहाँ पर। तो पहला है, इसको आप हर एक स्लाइड को बच्चों स्क्रीनशॉट करिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी प्रश्न है स्कॉलरशिप के दृष्टिकोण से भी। तो पहला है, साथ साथ पढ़ने वाले को कहते हैं, साथ साथ पढ़ने वाले को कहते हैं। क्या कहेंगे हमारे साथ साथ पढ़ने वाले को, सहपाठी। क्या कहेंगे, सहपाठी, बराबर है कि नहीं बच्चों। तो आपको क्या करना है, सहपाठी पर क्लिक करना है। तो सहपाठी आप उसका उत्तर लिखोगे, मतलब वहां पर चार नंबर जो ऑप्शन है, इस चार नंबर के ऑप्शन को आपको गोला करना है। अब आपका दूसरा प्रश्न है, ईश्वर में आस्था रखने वाले होते हैं, ईश्वर में आस्था रखने वाले होते हैं। कौन होते हैं ईश्वर में आस्था रखने वाले, आया उत्तर मन में बच्चों? हाँ, आस्तिक। क्या कहेंगे हम उसको, आस्तिक कहेंगे, है ना। इसको आप उत्तर को भी टिक करते जाइए और स्क्रीनशॉट भी करते जाइए। थर्ड क्वेश्चन है, छात्रों को पढ़ाने वाला कहलाता है, छात्रों को पढ़ाने वाला, वो तो आपको अच्छे से मालूम है आंसर, अध्यापक। क्या कहेंगे, अध्यापक। विद्वान आएगा क्या, लेखक आएगा क्या, कलाकार, नहीं। तो हमें कौन पढ़ाता है बच्चों, अध्यापक पढ़ाते हैं ना, तो यहाँ पर छात्रों को पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता है। तो आपको पहले ए ऑप्शन पर टिक करना है। हमारा नेक्स्ट वन है चौथा, सीमा पर सुरक्षा करने वाला। उत्तर आपको आ रहे होंगे मन में, ये हमने अभी पढ़ा है पहले, इसका उत्तर क्या आएगा, सीमा पर कौन सुरक्षा करता है, सिपाही, चौकीदार, पुलिसमैन या सैनिक? हाँ, सैनिक। कौन करता है, सैनिक। तो सीमा पर सुरक्षा करने वाला क्या कहलाता है, सैनिक। पांचवा प्रश्न है, जंगली पशुओं को मारने वाला, जंगली पशुओं को मारने वाला, इसको चार ऑप्शन दिए गए हैं, अत्याचारी, अपराधी, शिकारी, बहादुर। अब यहाँ पर इसका क्या उत्तर आएगा, शिकारी। क्या आएगा, शिकारी। तो जंगली पशुओं को मारने वाला शिकारी कहलाता है। छठा प्रश्न है, लेखक द्वारा स्वयं लिखी हुई जीवनी को क्या कहेंगे, लेखक द्वारा स्वयं लिखी हुई जीवनी को क्या कहेंगे, प्रेरक जीवनी कहेंगे, संस्मरण या रेखा चित्र या आत्मकथा, क्या कहेंगे, स्वयं की जीवनी लिखना, मतलब यहाँ पर आत्मकथा। क्या उत्तर आएगा बच्चों, आत्मकथा। तो इसके लिए उत्तर है आत्मकथा। आगे बढ़ते हैं, अपराहन किसका संक्षिप्तीकरण है। देखो ये बच्चों, ये शब्द आप जरा ध्यान में रखो, क्योंकि जब हम गणित विषय पढ़ते हैं और समय पर हमें उदाहरण आते हैं ना, तो इसमें ये सब आपको काम में आएगा, अपहरण, ये शब्द ध्यान में रखो। तो इसको क्या कहेंगे, दोपहर का समय कहेंगे, दोपहर के बाद का समय कहेंगे,
कि दोपहर के पहले का समय कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों आप सोचो जरा। हाँ, दोपहर के बाद का समय। तो अपहरण को आपको ध्यान में रखना है, दोपहर के बाद का समय अपराहन। आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न, थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाला, क्या कहेंगे इसको? एकदम क्षण में ही वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अनश्वर, अपरिमेय या अकिंचन या क्षणभंगुर, क्या कहेंगे? हाँ, क्षणभंगुर, मतलब थोड़े में ही, एकदम थोड़ी देर में ही वो नष्ट हो जाता है। आपका नौवां प्रश्न है, नीति को जानने वाला उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? देखो बच्चों, यहाँ पर नीति है ना शब्द, तो आप बहुत इसमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कंफ्यूज आप ज्यादा होगे, क्योंकि हर में देखो ना नीति, नीति, नैतिक ऐसे शब्द लिखे हुए हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो इससे आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपके मन में और पहला उत्तर नैतिक भी आ सकता है, पर इसका जो उत्तर है ना बच्चों वो क्या है, नीतिज्ञ, नीति को जानने वाला, नीतिज्ञ, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो हम दसवें प्रश्न पर बढ़ते हैं आगे। कृतज्ञ, ये शब्द हमेशा आते हैं, देखो कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? संक्षिप्तीकरण, ये शब्द देखो, संक्षिप्तीकरण, हाँ, क्योंकि छोटा कर देता है, एक शब्द जब बन जाता है तो पूरे शब्द समूह को, वाक्यांश को वो छोटा कर देता है। तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों, किए हुए उपकार को मानने वाला, इसको कहते हैं कृतज्ञ। उसके बाद जो पहले कभी घटित नहीं हुआ हो, जो पहले कभी भी घटित नहीं हुआ हो उसको अनुपम, अद्वितीय, अविश्वसनीय या अभूतपूर्व, इसमें से क्या कहेंगे? हाँ, जो पहले कभी घटित नहीं हुआ है उसको अभूतपूर्व कहते हैं बच्चों, अभूतपूर्व। तो आप टिक करते जाइए ऑप्शंस। दूसरों की भलाई करने वाला, ये वाक्यांश है, दूसरों की भलाई करने वाला, इसके लिए क्या आएगा बच्चों? सदाचारी, कृतज्ञ, कृतघ्न या परोपकारी, क्या आएगा? मन में सोचो उत्तर, हमने पहले देखा, हाँ परोपकारी, क्या आएगा? परोपकारी, दूसरों की भलाई करने वाला परोपकारी होता है। जो धन को व्यर्थ करता हो, जो धन को व्यर्थ करता हो, धन का क्या करता है, वो नाश करता है, धन को बहुत खर्च करता है, वो क्या होगा? अपराधी, अंतर्यामी, अनुरागी या अपव्ययी? अपव्ययी, क्या आएगा इसका उत्तर? अपव्ययी, कि वो धन को क्या करता है, व्यर्थ ही खर्च करता रहता है। जो जाने का इच्छुक हो उसको क्या कहेंगे? ज्ञानी कहेंगे, ज्ञाता, पिपासु, क्या कहेंगे? हाँ, मैं ऑप्शन रख रही हूँ ना आपके लिए, हाँ, जिज्ञासु, है ना? जो जानने का इच्छुक हो उसे क्या कहेंगे? जिज्ञासु कहेंगे, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट करो बच्चों, बहुत क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है स्कॉलरशिप के लिए भी। किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता, किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता, जिसको विषय का पूर्ण ज्ञान होता है बच्चों, वो उसको क्या कहेंगे हम लोग? पारंगत कहेंगे, दूरदर्शी कहेंगे, विश्वस्त कहेंगे या सर्वज्ञ कहेंगे? सब जानता है वो, उसको पूरे विषय की जानकारी होती है, सभी विषयों का ज्ञान होता है, उसको हम बच्चों सर्वज्ञ कहते हैं। ये शब्द शायद नया होगा आपके लिए, सर्वज्ञ भी, तो सर्वज्ञ ध्यान में रखो, ठीक है। जो सोलवा, जो देखा ना जा सके, उसके लिए हम ऐसा भी बोलते हैं ना, अनदेखा, ऐसा भी मन में वर्ड आ जाता है हमारे। पर यहाँ पर देखो जो ऑप्शन दिए गए बच्चों, इसमें आदर्शन, अदृश्य, विलुप्त और अनंत। तो यहाँ पर आप शायद, आपका उत्तर ना बच्चों अदृश्य होगा मन में, पर इसका उत्तर अदृश्य नहीं है, ये आपको फंसाने के लिए ऑप्शन दिया गया है। इसका उत्तर है बच्चों अदर्शन, क्या है? अदर्शन, इसको ध्यान में रखो। आगे बढ़ते हैं, जो कभी बूढ़ा ना हो, ये सबको लगता है हम कभी बूढ़े ना हो, है ना? तो जो कभी बूढ़ा ना हो, इसके लिए आपको चार जो ऑप्शन है, क्या है? अजर, युवक, अमर और वयस्क। तो इसमें इसका उत्तर क्या है? अजर, जो कभी बूढ़ा ना हो उसको क्या कहेंगे? अजर। जिजीविषा का सही अर्थ क्या है?
जी जी निशा का सही अर्थ क्या है? इसका जिज्ञासा अर्थ है कि जीने की इच्छा, कि मृत्यु की इच्छा, या कोई नहीं। देखो ये यहाँ पर कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है ना, वो कोई नहीं है। तो ऐसे भी आपको चार ऑप्शन में एक कोई नहीं ऐसा भी ऑप्शन आता है तो वो भी उत्तर हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर तीनों जो पर्याय है वो उत्तर के तौर पर नहीं दिए गए होंगे तो आपको ये भी चॉइस करना होता है कोई नहीं। इसलिए आपको जो भी प्रश्न दिया गया है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसका उत्तर है जीने की इच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं। जिस कार्य को करना कठिन हो उसको क्या कहेंगे? टेढ़ी खीर, दुष्कर, दुष्कर्म या सुकर, क्या कहेंगे इसको? जो कार्य करने में बहुत कठिन होता है उसको क्या कहेंगे बच्चों? हम लोग दुष्कर कहेंगे। क्या कहेंगे? दुष्कर कहेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है यहाँ पर? दुष्कर, है ना। एक मिनट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये दुष्कर हो जाएगा, है ना। अभी आपका अगला क्वेश्चन है क्षणभंगुर। क्षणभंगुर का सही अर्थ क्या है? क्षणभंगुर का सही अर्थ है क्षण भर में नष्ट होने वाला। क्या है? क्षणभंगुर का सही अर्थ है क्षण में नष्ट होने वाला। आपका आगे है, जो भू को धारण करता है वह क्या कहलाता है? भू को धारण करता है वो क्या कहलाता है? भूवेता, महिष, भूधर या भूचर, क्या कहेंगे उसको? हम भूधर कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? भूधर, है ना। आपका 22वां प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, इसको क्या कहेंगे? अद्वितीय कहेंगे, अजात शत्रु कहेंगे, अपश्य शत्रु कहेंगे, विजात शत्रु कहेंगे? अजात शत्रु। श्वेत से उत्पन्न होने वाला उसको क्या कहेंगे? जलज, पंकज, अंडज, नहीं, स्वेदज कहेंगे, ठीक है। चलो और दो चार प्रश्न। बहुत बोलने वाला निम्न में से क्या कहलाता है? वाचाल, क्या कहेंगे? वाचाल। अल्पभाषी माने कम बोलने वाला होता है तो वाचाल, यहाँ पर बहुत बोलने वाले को, बड़बड़ करने वाले को वाचाल कहा जाता है। मांस का आहार करने वाला, ये तो आपको पता ही है, मांसाहारी। मांस का आहार करने वाला मांसाहारी होता है। देखने में जो प्रिय लगे, अब यहाँ पर देखो कंफ्यूज करने के लिए प्रिय वक्ता, प्रिय वंदा, प्रिय स्नेही, प्रिय दर्शी, तो देखना, दर्शन, तो यहाँ पर प्रियदर्शी ये शब्द आएगा। देखने में जो प्रिय लगता है वो है प्रियदर्शी। जो भविष्य में होने वाला है उसको क्या कहते हैं? भविष्य में जो होने वाला, अब यहाँ पर भी कंफ्यूजन है, भविष्यकत, भविष्य प्रेमी, भविष्य वक्ता, तो नहीं, यहाँ पर हम क्या कहेंगे? भावी। इसका उत्तर क्या है? भावी। चलो एक अंतिम प्रश्न हम देखते हैं। जो एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया गया हो, एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान में वो गया है, तो उसको क्या कहेंगे बच्चों? हम स्थानांतरित कहेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत सारे उदाहरणों का हमने सराव कर लिया और एक अभ्यास के तौर पर आपको यहाँ पर मैंने एक अलग पैटर्न दिया है। यहाँ पर देखो, जो देखने योग्य हो, कम खाने वाला, ये जो है यहाँ पर आपको देखना है। तो ये जो यहाँ पर नीचे देखो एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में बच्चों यहाँ पर मैंने उसके उत्तर लिखे हुए हैं और उस चौखट में से आपको क्या करना है? सही उत्तर चुनकर वहां पर लिखना है। तो जो देखने योग्य है उसको क्या कहेंगे? दर्शनीय कहेंगे। क्या कहेंगे? दर्शनीय। तो आपको यहाँ पर वो उत्तर लिखना है, दर्शनीय, ठीक है। अब कम खाने वाला, कम खाने वाला क्या कहेंगे उसको? अल्पाहारी। तो यहाँ से आपको चूज करना है आंसर बच्चों और यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जहां दवाई मिलती है, जहां दवाई मिलती है सबको पता है उसको क्या कहेंगे? औषधालय। तो यहाँ पर आप लिखो औषधालय। जिसके मन में दया ना हो, सॉरी, जिसके मन में दया हो उसको क्या कहेंगे? दयालु। क्या कहेंगे? दयालु। तो आपको दयालु ये उत्तर जो है वो यहाँ पर लिखना है। जल में रहने वाला, ये तो अभी याद ही हो गया बच्चों को, जलचर, है ना। तो जलचर यहाँ पर हम इसका उत्तर लगाएंगे, जलचर। जो सेवा करता हो
सेवक, जो सेवा करता हो वो सेवक। तो इसमें आपको मजा भी आएगा बच्चों थोड़ा सा, कि चौखट में सारे शब्द मैंने ऐसे मिक्स करके लिखे हैं और उसमें से आपको क्या करना है, उत्तर को चुनना है। तो हमने इसके उत्तर भी देख लिए, अभी आपके लिए स्वाध्याय। आपको इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट करना है और इसके सब के आंसर जो है वो मुझे व्हाट्सएप पर भेजने हैं। तो इस अभ्यास में भी देखो मैंने एक आपको अलग पैटर्न दिया है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक शब्द इसका उत्तर जो है वो इसके सामने लिखना है। वो आप अभी ढूंढोगे और खुद अभ्यास करके आप मुझे उसको व्हाट्सएप पर भेजोगे। इसको स्क्रीनशॉट करो, मैं थोड़ा रुकती हूँ, स्क्रीनशॉट करो इसको ताकि आपको बहुत सारा कलेक्शन आपके पास हो जाए, स्वाध्याय का भी शब्दों का भी, ठीक है। और सेकंड पार्ट, दूसरा प्रश्न है, एक अलग तरीका मैंने और लिया है इसमें, आपको जोड़ियां मिलाओ बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर शब्द समूह लिखा हुआ है और यहाँ पर अनेक शब्द के लिए एक शब्द लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, शब्द समूह के लिए एक शब्द को ढूंढना है और उसकी जोड़ी उसको मिलानी है। तो आपको इसको भी स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये सारे उत्तर है हमने जो अभी जो लेसन पढ़ा उसमें आपको मिल जाएंगे। आपको थोड़ा अपने तर्क से भी इसको हल करना है, इसलिए मैंने आपको अलग अलग पैटर्न दिए, जोड़ियां मिला दी और शब्द लिखने के लिए भी दिया, कुछ वहां से चुनकर ढूंढने के लिए भी बोला है। तो इस प्रकार से आपका सराह हो जाएगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लिया होगा आपने। तो यहाँ पर आपको सारे जो मैंने अभी लेसन जो पढ़ाया है वो समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, और अभी आप नहीं भूलोगे शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो अगर बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो यही लेसन हमारा बीएमसी एजुकेशन चैनल पर कक्षा पांचवी के आपको यूट्यूब पर मिलेगा, उस पर आप बार बार उसको देखो और उसका अभ्यास करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियोस को लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद बच्चों।